वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। आज मैं आपको बताऊंगा कि मूली से ही आप किस तरह से कई बीमारियों से लड़ सकते हैं। बस थोड़ा सा मूली के साथ कुछ दूसरी चीजों का इस्तेमाल करके बहुत सारी बीमारियों को बिना किसी दवाई के दूर भगाया जा सकता है। देखिए, मूली जो है एक नेचुरल एंटीबायोटिक है, आपको कोल्ड कफ से बचाती है। अगर आपको कोल्ड कफ हो गया है तो आपको क्या करना है, 4 चम्मच मूली का जूस ले लें, उसमें 2 चम्मच शहद मिला दें और बस इसका दिन में 2 बार आप सेवन करें। आप देखेंगे कि कोल्ड कफ की जो आपकी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपके कान में दर्द हो रहा है तो बहुत सिंपल है, मूली का जूस लें, हल्का सा उसको गर्म कर लें और गर्म करके 2 बूंद अपने कान में डाल लें जहाँ पे दर्द हो रहा है। आप देखेंगे कुछ ही वक्त में आपका कान का दर्द जो है गायब हो जाएगा। इसी तरह से अगर सर दर्द हो रहा हो तो बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा मूली का जूस आप पी के देखें, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपका सर दर्द जो है गायब हो जाएगा। जॉइंटिस एक बहुत बड़ी बीमारी है, जॉइंटिस पीलिया जिसको कहते हैं, अगर आपको पीलिया की प्रॉब्लम हो गई है तब आपको क्या करना है, 1/2 कप मूली का जूस लेना है और उस पे 1 चम्मच तुलसी के पत्तों को पीस लेना है, उसका पेस्ट बना लेना है। 1 चम्मच तुलसी के पत्तों का पेस्ट, इन दोनों को मिक्स कर देना है, दिन में 2 बार इसका सेवन करना है आपको 20 दिन तक, और 20 दिन के अंदर आपको जॉइंटिस की प्रॉब्लम में रिलीफ आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, यानी कि आपको नींद ही नहीं आती है, रातों को तो बिल्कुल नींद नहीं आती है, तो आपको मूली का सेवन करना चाहिए। अपने खाने में दोनों टाइम आप अगर मूली का सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि इंसोम्निया की प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। इसी तरह से कई बार हमें अचानक से हिचकी आने लगती है और हिचकी कंट्रोल नहीं होती। अगर आपको हिचकी आ रही है तो मूली के पत्ते ले लें थोड़े से और उसको खूब चबाएं। चबाने के बाद उसका जूस आप धीरे धीरे गले से उतार लें और जो पत्ते का फ्लैश बचेगा उसको आप फेंक दें। आप देखेंगे कि आपको हिचकी की जो प्रॉब्लम है वो दूर होने लगेगी। इसके बाद आप थोड़ा सा गुड़ खा लें, इससे हिचकी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अगर आपके पास मूली के पत्ते नहीं है तो आप सिंपल मूली का जूस भी पियेंगे तो भी आपको हिचकी की प्रॉब्लम में रिलीफ आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको किडनी स्टोन है तो आपको क्या करना है, 4 चम्मच मूली का जूस लेना है, उसमें 2 चम्मच आपको शहद मिलाना है और शहद मिलाकर दिन में 2 बार इस जूस का सेवन करना है आपको 2 महीने तक। आप देखेंगे कि किडनी स्टोन की जो आपकी प्रॉब्लम है उसमें आपको रिलीफ आने लगेगा। तो देखा ना आपने कैसे आप मूली का इस्तेमाल करके थोड़ा सा कॉम्बिनेशन शहद का, तुलसी का, ये करके आप कैसे बीमारियों से लड़ सकते हैं बिना दवाइयों के। अभी और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो सिर्फ मूली के कॉम्बिनेशन से दूर हो सकती हैं, और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा आपको कि कैसे आप मूली का इस्तेमाल करके अपना रंग गोरा कर सकते हैं, लेकिन ये सब मैं बताऊंगा आपको अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए हमारी कामना यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों को बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे स्वास्थ्य लाभ पाएं और हमारे मकसद में हमारा साथ दें। हमारा मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोग घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ पाएं, तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोज को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।